हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम कंपैरिजन करेंगे दो ब्रीडों का, जो कि है पिटबुल और पाकिस्तानी बुली। दोनों ही फाइटिंग ब्रीड हैं। तो दोस्तों, इन्हीं दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है और किसको हम अपने घर में रख सकते हैं, किसको नहीं रख सकते। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जब आप पूरी वीडियो को ढंग से समझ पाओगे। और दोस्तों, अगर जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जितना ज़रूरी सब्सक्राइब का बटन दबाना है, उतना ही ज़रूरी बेल आइकन भी, क्योंकि अगर हम कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिटबुल और पाकिस्तानी बुली दोनों बहुत ही पॉपुलर ब्रीड हैं। आप सभी जानते हो दोनों ब्रीड के बारे में। पिटबुल बहुत ही डेंजर ब्रीड में एक है और पाकिस्तानी बुली भी बहुत ही डेंजर ब्रीडों में से एक है। पिटबुल की हाइट नॉर्मल होती है, स्टैंडर्ड साइज जिसे हम कह देते हैं, और पाकिस्तानी बुली की हाइट लार्ज में हो जाती है, बहुत लार्ज हाइट हो जाता है पाकिस्तानी बुली। और दोनों ब्रीडों को डॉग फाइटिंग के लिए बनाया गया था। डॉग फाइटिंग ज़्यादातर पंजाब में ही होती है, वहीं पर दोनों ब्रीडों का यूज़ होता है। और ऑल इंडिया में पूरी ब्रीडिंग दोनों की ही वहीं पर होती है। पंजाब में ही पिटबुल की ब्रीडिंग भी होती है और पाकिस्तानी बुली की। इन दोनों की ब्रीडिंग आपको और कहीं बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगी। एक ही दो ब्रीडर होंगे जो इनकी ब्रीडिंग करते होंगे, बाकी सब पंजाब से ही मंगा के प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों, पिटबुल ब्रीड एक ऐसी है जिसके आपने कारनामे सुने होंगे कि आज इसने अटैक कर दिया, आज इसने अपने मालिक पर अटैक कर दिया, आज इसने अपने मालिक को जान से मार दिया, इतने जानवर को मार दिया। तो पिटबुल ब्रीड के बारे में तो आपने सुन रखा है कि हाँ, ये डेंजर ब्रीड है, इसके आपने अटैक भी सुने हुए हैं और ये डॉग फाइटिंग में भी बहुत यूज़ की जाती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें दोस्तों, तो पाकिस्तानी बुली का अभी तक एक भी मैटर ऐसा नहीं आया है जिसमें हमें सुनने के लिए मिला हो कि पाकिस्तानी बुली ने आज अपने मालिक पर हमला कर दिया या अटैक कर दिया, किसी को जान से मार दिया। तो दोस्तों, दोनों में देखा जाए तो एग्रेसिव है पिटबुल। जी हाँ दोस्तों, एग्रेसिव की बात करें, कौन ज़्यादा खूंखार है, तो वो है पिटबुल। पिटबुल ज़्यादा खूंखार है पाकिस्तानी बुली से, उसकी एक्टिविटी से, उसके मतलब जितना वो फाइटिंग है उस हिसाब से। और लेकिन अगर हम डॉग फाइटिंग में बात करें तो भाई पाकिस्तानी बुली का कोई जवाब नहीं। जी हाँ दोस्तों, पिटबुल, अगर हम पिटबुल की डॉग फाइटिंग कराएं और पाकिस्तानी बुली की डॉग फाइटिंग कराएं, इसमें कोई चांस नहीं है कि पिटबुल जीतेगा, इसमें पाकिस्तानी बुली ही जीतेगा। लेकिन हम नॉर्मल एग्रेसिवपन की बात करते हैं तो दोस्तों, पिटबुल ज़्यादा खतरनाक है। और अगर हम फाइटिंग ब्रीड के जरिए से कहें तो पाकिस्तानी बुली ज़्यादा खतरनाक है। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, अगर आप नॉर्मल एक एग्रेसिव ब्रीड लेना चाहते हो, लार्ज ब्रीड में रखना चाहते हो, थोड़ा डेंजर सा दिखने वाला डॉग, तो भाई मैं आपको पाकिस्तानी बुली सजेस्ट करूंगा। क्योंकि मैंने भी बहुत से कारनामे पिटबुल के सुन रखे हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तानी बुली का कोई भी कारनामा नहीं सुना है कि आज इसने अपने मालिक पर अटैक कर दिया या इस पर अटैक कर दिया। जी नहीं, बिल्कुल शांत ब्रीड है ये, ओनली डॉग फाइटिंग में यूज़ की जाती है, बस डॉग फाइटिंग के लिए इसको बनाया गया था। और बाकी इसका इतना कोई एग्रेसिवपन देखा नहीं गया है और बहुत आराम से मालिक के पास रह लेती है। हैंडल करना भी ज़्यादा कठिन है, थोड़ी लार्ज ब्रीड है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन पिटबुल के मुकाबले बहुत बेस्ट ब्रीड है। पिटबुल भी अपनी जगह सही है। देखो, दोनों ब्रीड अपनी अपनी जगह बहुत बेस्ट है। एक अपने एग्रेसिवपन नेचर से बहुत एग्रेसिव है, तो दूसरी अपने एक्टिविटी या दूसरी अपने लड़ाई से बहुत एक्टिव है। तो पिटबुल भी आप ले सकते हो। पिटबुल देखो, पाकिस्तानी बुली और पिटबुल, मैं दोनों ही सजेस्ट करूंगा कि आप छोटी जगह पे मत लीजिए। देखो, पाकिस्तानी बुली एक बहुत बड़ी ब्रीड है, लार्ज ब्रीड में आ जाता, बहुत लंबी हाइट चली जाती है, तो यार नॉर्मल सी बात है, देखो छोटी जगह में इनको नहीं रखा जा सकता। आपका आपके पास फार्म हो, खेत हो, कोई बड़ी सी जगह हो, तो आप पाकिस्तानी बुली को रख सकते हो। सेम मैं पिटबुल के लिए भी कहूँगा, क्योंकि दोस्तों पिटबुल भी आप जानते हो कोई फ्रेंडली ब्रीड तो इतनी है नहीं, नॉर्मल है, सही है, एग्रेसिवपन है, तो पिटबुल को भी घर में रखना थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो दोस्तों, अब आई होप कि आप मेरी वीडियो पर समझ गए होगे आपको कौन सी लेनी है। आपको नॉर्मल थोड़ी एग्रेसिव लेनी है यार, कि ज़्यादा ही एग्रेसिव लेनी है, जो किसी पर अटैक करने के लिए भी ना सोचे अटैक कर दे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। कंपैरिजन वीडियो थी, बताना कैसी लगी आपको। मैंने थोड़ी ज़्यादा कवर नहीं करी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कवर की है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।